नमस्कार। एम ऑफ लर्निंग में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम संस्कृत पीयूषम कक्षा 6 की पुस्तक का अध्ययन करेंगे। आज हम एकादश पाठ यानी कि 11वें पाठ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है गणतंत्र दिवस समारोह। गणतंत्र दिवस का समारोह। प्रभाकर, यहाँ दो मित्र आपस में बात कर रहे हैं, उसका वर्णन किया गया है। प्रभाकर, मित्र जैकब श्वः गणतंत्र दिवसस्य समारोह भविष्यत्। कल गणतंत्र दिवस का समारोह होगा। तस्य दर्शनाय वयम् गमिष्यामि। वह देखने के लिए वयम् माने हम सब जाएंगे। सलीम है माम अवदत् यत् सः अपि तत्र गमिष्यति। सलीम कल मुझसे कह रहा था, अवदत् माने कह रहा था कि हम भी वहां जाएंगे। किम त्वमपि तत्र चलिष्यसि, क्या तुम भी वहां चलोगे? जैकब, तो जैकब आंसर करता है, मित्र गणतंत्र दिवसस्य समारोह किमर्थ? गणतंत्र दिवस का समारोह किस लिए होता है? प्रभाकर, अहो किम तुम न जानासी, ओह क्या तुम नहीं जानते हो? यत प्रथम गणतंत्र दिवसात एव, यह प्रथम गणतंत्र दिवस से ही स्वतंत्र भारतस्य स्वकीयं नवीनं संविधानं आरम्भासीत्। यानी कि प्रथम गणतंत्र दिवस से ही स्वतंत्र भारत का नया संविधान आरंभ हुआ था, इसीलिए जो है गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। जैकब, गणतंत्र दिवसस्य आरंभ कदा अभवत्? गणतंत्र दिवस का आरंभ कब हुआ था? कदा माने कब? प्रभाकर, अवैध अभी तो अस्माकं अध्यापकः गणतंत्र विषय अवदत्। हमारे अध्यापक ने गणतंत्र विषय के बारे में बताया था। यत 26/1/1950 यानी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को प्रथम गणतंत्र दिवस से समारोह अवदत्। पहले गणतंत्र दिवस समारोह को मनाया जाता है। आगे का पाठ हम अगले भाग में पढ़ेंगे।